हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृद्धि एकेडमी। कैसे हो आप सभी? लास्ट मैंने आपको बताया था यूज़र इंटरफेस पे हम कैसे वर्क करते हैं, मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़र इंटरफेस होता है हमारा, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, कैसे हमारा स्टार्ट मेन्यू वर्क करता है, कैसे हमारा टास्क बार वर्क करता है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग हमारा एमएस ऑफिस में भी मिल जाता है, लेकिन ट्रिपल सी कोर्स के लिए लिब्रे ऑफिस ही हम पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस से ही हमारे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम यूज़ नहीं करेंगे, लिब्रे ऑफिस से ही रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, और उसी से रिलेटेड मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम वर्ड प्रोसेसिंग से। तो वर्ड प्रोसेसिंग हमारा लिब्रे ऑफिस में क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस से। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ लिब्रे ऑफिस। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, आप स्क्रीन पे देखिए। इंट्रोडक्शन होगा हमारा, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, जैसे कि हम कैसे वर्ड प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, उसका मेन्यू बार क्या होता है, हम हेल्प में कहाँ पर जाते हैं, आइकन्स के यूज़ से हम मेन्यू बार के जो नीचे आइकन्स होते हैं हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट मीन्स कैसे हम ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट को और कैसे हम क्लोज़ करते हैं, और कैसे हम उसमें जो हमारा डेटा होता है, जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो हम उसमें डेटा लिखते हैं, उसको हम कैसे सेव करते हैं, और सेव एज का क्या यूज़ है, पेज को सेटअप कैसे करते हैं प्रिंट के लिए, प्रिंट प्रिव्यू मीन्स पहले हम प्रिंट करने से पहले हमारे पेजेस पे जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, मार्जिन ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसमें एडिटिंग करते हैं टेक्स्ट का, कैसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कट कॉपी पेस्ट, कैसे हम टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करेंगे, कैसे हम उसको कॉपी करेंगे, कैसे हम उसको पेस्ट करेंगे, और जो हमारा टेक्स्ट है उसका फॉन्ट और साइज़ कैसे सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट कैसा होगा हमारा टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है हमारा, स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग एक हमारा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टेक्स्ट को और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि हम जो भी हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इमेजेस लगाएंगे, टेबल्स बनाएंगे या कुछ भी हम उसमें ऐड करते हैं, उनको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे हम उनको चेंज करके सेव करते हैं, मतलब हमारा डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। इफ़ द नीड इज़ टू यूज़ मैथमेटिकल प्रोसेसेस टू मैनिपुलेट नंबर्स और टू मैनेज डेटा, देन अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज़ नॉट करेक्ट एप्लीकेशन टू यूज़। मीन्स डैट अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, माना हमें डेटा को अरेंज करना है, नंबर्स को अरेंज करना है, उसमें कैलकुलेट करना है, तो हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज़ नहीं करते हैं। हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल सी का यूज़ करते हैं, मतलब वो एक्सेल का ही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे हमारा वर्क करता है एक्सेल, ऐसे ही हमारा लिब्रे ऑफिस में कैल सी वर्क करता है। तो हम अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हमारा वर्ड प्रोसेसिंग बेटर ऑप्शन नहीं होगा, हमारा उसके लिए होगा लिब्रे ऑफिस का कौन सा टूल, कैलसी वाला। तो द मेन पर्पस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज टू परमिट द यूजर टू क्रिएट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लाइक एडिट। एडिट में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट टू इंक्रीज रीडेबिलिटी एंड अपीयरेंस। मीन्स डेट हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का जो प्रोग्राम है उसका पर्पस क्या है, मेनली हम उसमें यूज़र्स क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं, कुछ भी इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को किसी और वर्ड से। तो ये सब चीज़ें हमारी किस लिए होती है, वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं वर्ड्स का, टेक्स्ट मैनिपुलेशन का। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी एंड अपीयरेंस, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसको, जो हमने लिखा है उसकी रीडेबिलिटी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी अपीयरेंस कैसा वो दिख रहा है उसको इम्प्रूव करता है, उसको इंक्रीज करता है। प्रिंट अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं बाय यूजिंग द
वर्ड प्रोसेसिंग बाय यूजिंग द राइटर। हम क्या करते हैं, हम लिब्रे ऑफिस में जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड का यूज़ होता है, एमएस वर्ड का यूज़ होता है, ऐसे ही हमारे लिब्रे ऑफिस में राइटर का यूज़ होता है। वहाँ पर उसका नाम होता है एमएस वर्ड, यहाँ पर इसका नाम है राइटर। किसका, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए राइटर का यूज़ करेंगे हम। प्रिंट अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फ्यूचर यूज़ एंड रेफरेंसेस। मतलब आगे के लिए हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। किस लिए सेव करते हैं, किस लिए हम मेमोरी में याद करके रखते हैं चीज़ों को, ताकि हमें वो आगे यूज़ में आ सके, आगे हम उसको यूज़ कर सके और आगे हम उसको देख सके। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एन लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल। मतलब एक्सटेंशन क्या होगा, अब हमारा एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है, जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वर्ड में, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .doc से होता है या फिर .docx से होता है, जो एक्सटेंशन यूज़ होता है। लेकिन लिब्रे ऑफिस में हमारा राइटर का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .odt। मतलब लिब्रे ऑफिस में जो हमारी फाइल्स सेव होंगी, जो हमारे डॉक्यूमेंट सेव होंगे, उसके लास्ट में जो एक्सटेंशन डॉट करके होता है वो होगा .odt से सेव। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के। हम वर्ड प्रोसेसिंग जो वर्ड है, राइटर एप्लीकेशन है, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं। हम कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज़ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जो हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम एडिट करना चाहें या उनको, उनकी अपीयरेंस को, उनकी रीडेबिलिटी को चेंज करना चाहें, एडिटिंग उसमें हम कुछ करना चाहें, तो हम उसको कर सकते हैं इसमें ओपन करके। मेकिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंटरैक्टिव विद डिफरेंट फीचर्स एंड टूल्स। जो भी हमारे इसमें टूल्स दिए गए हैं, जो भी हमारे फीचर्स हैं, उनके यूज़ से हम जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसको और अच्छा बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं, उसको कलरफुल बना सकते हैं, उसमें टेबल्स यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम सब किस में करेंगे, ये सब लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स कंप्राइजिंग इमेजेस। ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स हमारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे इमेजेस यूज़ होती हैं, जिसमें हमारे ग्राफ्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, यूज्ड बाय ऑथर्स एंड द रिसर्चर्स। ये किसके थ्रू यूज़ होता है, या तो जो ऑथर्स हैं, ऑथर्स कौन होते हैं, बुक्स जो राइट करते हैं, उनको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना होता है, क्योंकि सब कुछ बुक्स किस में लिखा होता है, टेक्स्ट में लिखा होता है और इमेजेस में लिखा होता है। जो भी हमारी टेक्स्ट बुक में, उसमें कोई वीडियो तो चलती नहीं है, उसमें क्या क्या होंगी चीज़ें, या तो इमेजेस होंगे, या चार्ट्स होंगे, या फिर हमारे क्या होंगे, ग्राफ्स होंगे, या फिर हमारी इमेजेस होंगी, या फिर हमारे टेक्स्ट होंगे। तो वो सब हम किस कौन यूज़ करते हैं इनको, यूज्ड बाय द ऑथर्स एंड द रिसर्चर्स। और ये हमारे ऑफिस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट हमें किसी को सेंड करना है, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट हमें किसी को सेंड करना है, तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डिटेक्ट ग्रामेटिकल एरर्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कि ये एरर्स जो होती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, उनको भी डिटेक्ट करता है। अगर हमने ये फीचर्स इनेबल किया हुआ है तो वो इनेबल रहेगा, अगर हम उसको ऑफ़ करना चाहें तो वो ऑफ़ भी कर सकता है ग्रामेटिकल एरर्स को। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो लिब्रे ऑफिस है वो किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, यूज़ होता है हमारा CCC में। सिर्फ और सिर्फ CCC वाले स्टूडेंट्स ही लिब्रे ऑफिस को पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस। पहले हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद क्या होगा, हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेन्यू पे, देन प्रोग्राम्स में जाएंगे। अगर आपने पिंड किया होगा तो वो पिंड में शो हो जाएगा, अदरवाइज हम ऑल प्रोग्राम्स में जाकर चेक करेंगे स्टार्ट मेन्यू में, फिर हमें वो मिल जाएगा। सेलेक्ट करेंगे लिब्रे ऑफिस, देन चूज लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लिब्रे ऑफिस ओपन करने के बाद, उसमें से हमें लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट चूज़ करना होगा। देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, क्लिक द लिब्रे ऑफिस आइकन ऑन द क्विक लॉन्च एरिया ऑफ द टास्क बार इफ इट इज अपीयर देयर। मतलब अगर हमारा लिब्रे ऑफिस आइकन हमने टास्क बार में पिन किया हुआ है,
तो हम वहाँ से डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं, हमें स्टार्ट मेन्यू में जाकर ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दो हमारे मेथड्स हैं, दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस टूल को। तो स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस कैसे हम यूज़ करेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हम वर्ड प्रोसेसिंग टूल पैकेज को ओपन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट मेन्यू पे गई, मैंने इसको पिन किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये हमारे पिंड एप्लीकेशन में शो हो रहा है लिब्रे ऑफिस। यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करूँगी, देन ये हमारा यहाँ पर पेज खुल कर आता है इसका लिब्रे ऑफिस का। अब हमें किसमें से कौन सा चूज़ करना है, राइटर डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम राइटर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसमें जाएंगे राइटर डॉक्यूमेंट पे, देन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे विंडो कुछ ऐसी शो होगी, हमारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा शो होगा। तो ये हमारा ओपन हो गया है लिब्रे ऑफिस राइटर अनटाइटल्ड वन। तो ओपनिंग हम कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया है, क्लोजिंग हम कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर हमारा क्रॉस बटन है यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास एक और ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे नीचे आता है हमारा सबसे नीचे एग्जिट लिब्रे ऑफिस, या तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करके कीज़ को कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो भी हमारा क्लोज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो ये तो हो गया हमारा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है डॉक्यूमेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो अब सेकेंड वन है हमारा मेन्यू बार। अब जो हमारा ये फर्स्ट लाइन है ये हो गया हमारा टाइटल बार, जो अनटाइटल्ड वन लिखा है अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, तो इसलिए ये अपना डिफ़ॉल्ट नेम दे रहा है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। नीचे है इसके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल्स, फॉर्म्स, टूल्स, विंडोज़ एंड हेल्प। ये हमारे किस लिए है, ये हमारी है मेन्यू बार, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार के नीचे आता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारा ऑप्शंस में है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। अब इसके नीचे आती हैं हमारे आइकन्स, जो ये सारे आइकन्स हैं ये भी हमारे टूल्स हैं, इनको भी हम यूज़ करते हैं जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं या कोई भी हम टेक्स्ट में चेंजेस करना चाहते हैं या फाइल को सेव करना चाहते हैं या न्यू फाइल लेना चाहते हैं या हम किसी पुरानी फाइल को जो सेव्ड है उसको ओपन करना चाहते हैं। तो ये जो जितने भी आइकन्स हैं हमारे मेन्यू बार के नीचे हम ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इससे हम किसी भी फाइल को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हम प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन हम सर्च कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, देन कट, कॉपी, पेस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने ओपनिंग करा है डॉक्यूमेंट, अ न्यू डॉक्यूमेंट, देन मैं इसमें कुछ भी लिखती हूँ, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे, वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक नेम्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स। तो ये मैंने जो भी लिखा है हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, अब ये हो गया हमारा, मैंने कुछ भी किया, कुछ भी टाइप कर सकती हूँ मैं, कोई भी टेक्स्ट में इसमें टाइप कर सकती हूँ, उसको चेंज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसको सेव कैसे करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को। जैसे मैंने अभी ये न्यू लिया है, अभी ये मैंने सेव नहीं किया है, तो ये है अनटाइटल्ड वन के नाम से। अब मैं जाऊँगी यहाँ पर फाइल में, फाइल पर क्लिक करूँगी, फाइल पर नीचे ऑप्शन में आता है सेव, ये आप दिख रहा होगा आपको सेव, हम सेव क्लिक कर सकते हैं इस पर या फिर हम कंट्रोल प्लस एस वाली की को भी यूज़ कर सकते हैं, एक साथ विंडोज़ पे कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करेंगे तो हमारा सेव का ऑप्शन आ जाएगा। देन मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक करने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पर सेव करना है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगी, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिया। फाइल नेम मैं इसको कुछ भी दे सकती हूँ, कुछ भी जिस नाम से आपको सेव करना है उस नाम को आप यहाँ पर, जिस नाम से आप उसको याद कर रख सकते हो कि हमने ये डॉक्यूमेंट इस नाम से सेव किया है, उसको हम फाइल नेम में डाल देंगे। मैंने लिख दिया है कंप्यूटर, देन आप देखो सेव एज टाइप,
ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हम इसको ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ही सेव करेंगे। ऑटोमेटिक फाइल एक्सटेंशन नेम जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो ऑटोमेटिक ही एक्सटेंशन को ऐड कर लेगा। देन मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा सेव। सेव हो गया है हमारा, ये था हमें सेव करना था। तो सेव के बाद आप देख रहे होंगे अभी भी ये अनटाइटल्ड 1.odt से सेव हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर था डेस्कटॉप पर जिसमें कंप्यूटर्स के नाम से था, उसमें वो फाइल सेव हो चुकी है। तो हम मैं ओपन करूँगी तो मैंने यहाँ पर अगर लिखती हूँ कंप्यूटर, किस में है ये, हमारा डेस्कटॉप पे था। डेस्कटॉप पे जैसे ही मैंने कंप्यूटर लिखा, आप देख सकते हो कि कंप्यूटर नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर हमारा ये अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव हो चुका है। तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं यहाँ पर। तो रीनेम कैसे करेंगे हम, तो हमें कैसे सेव करना होगा, हम इसमें फाइल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे तो सेव पर क्लिक करेंगे, सेव कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, या फिर हम कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करेंगे, वहां से ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने सेव पे क्लिक किया, देन हमें कहाँ पर सेव करना है, ये मुझे करना है डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर किस नाम से सेव करते हैं हम ये डॉक्यूमेंट, हम नाम कर CCC के नाम से, CCC1 के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया, आप देख सकते हो कि ये CCC1.odt नाम से सेव हो चुका है हमारा डेस्कटॉप फाइल पे, डेस्कटॉप पे। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा सेव। अब बात करते हैं अगर हमें इसका नाम चेंज करना है, तो अगर मुझे CCC1 को नाम चेंज करना है कि कोई और नाम रखना है इस फाइल का, तो हम कैसे नाम चेंज करते हैं, कैसे सेव करते हैं। तो फाइल में जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, सेव एज में हम या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस की प्रेस कर सकते हैं, या फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे। देन मैंने CCC1 नाम दिया है, मुझे CCC1 नाम नहीं देना है, मुझे वर्ड प्रोसेसिंग नाम देना है। तो मैं इसको वर्ड प्रोसेसिंग नाम देकर यहाँ पर इसको सेव कर सकती हूँ। तो वर्ड प्रोसेसिंग डेंट सेव पर क्लिक कर देंगे, ये हो गया हमारा वर्ड प्रोसेसिंग डॉट ODT के नाम से सेव। तो ये तो हो गया हमारा क्या सेव करते हैं, कैसे। सबसे पहले हम सेव करते हैं, और सेव एज हम किस लिए करते हैं, नेम को रिप्लेस करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट हमने पहले नेम से लिया था उसको दूसरे नेम से सेव करना है। अब बात करते हैं पेज सेटअप की। अब हमें प्रिंट प्रीव्यू देना है और पेज सेटअप करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे फाइल में, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शंस है हमारे पास, प्रिंट प्रीव्यू का और प्रिंट का। तो प्रिंट प्रीव्यू पर मैं क्लिक करूंगी, तो प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद हमें ये शो होगा स्क्रीन पे कि कैसे हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो रहा है, मतलब कैसे, मतलब जो हमारा पेज है प्रिंट होने से पहले हम देख सकते हैं कि वो कैसे लिखा है, उसमें टेक्स्ट क्या, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, कहीं हमारी लाइन आगे पीछे या कोई पेज की टेक्स्ट का कुछ हमारा डेटा जो है वो कट तो नहीं रहा है। यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं, देन क्लोज कर सकते हैं यहाँ से हम प्रीव्यू को। क्लोज करने के बाद हम दोबारा से प्रिंट ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे हम, या तो हम CTRL+P प्रेस करेंगे, CTRL+P कीज को प्रेस करेंगे, और देन वो हमारा किस पे आ जाएगा, प्रिंट, प्रिंट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हमारे ऑलरेडी प्रिंटर्स के जो ड्राइवर्स हैं इंस्टॉल्ड हैं, कौन कौन से, ये तीन प्रिंटर्स के हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं, मैं उसमें से सेलेक्ट करूँगी। हमें केबल कनेक्ट करना होगा, उसके लिए हम डिसाइड करेंगे अब कौन से पेजेस, या तो सभी पेजेस को हमें प्रिंट कराना है, या हम पेज नंबर लिख सकते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉपीज हमारी कितनी, हम नंबर ऑफ कॉपीज हमें सिंगल पेज की कितनी निकालनी है, ठीक है। मान लिया हमें पूरा प्रिंट निकालना है, सिंगल कॉपी निकालनी है, एक पेज की एक ही कॉपी निकालनी है। अगर हमें एक पेज की दो कॉपी निकालनी है या तीन कॉपी निकालनी है, तो नंबर ऑफ कॉपीज हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो हमारा
प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पेजेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं तो ये तो गया हमारा फर्स्ट पेज शो हो रहा है यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पर हमारा सिंगल पेज है, अगर हमें सेकंड पेज पर जाना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो हमारा सेकंड पेज पर जाएगा। देन हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट जैसे ही हम प्रिंट प्रेस करेंगे, प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा प्रिंटर से हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये था हमारा प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप और प्रिंट का। अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, कैसे हम टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएशन। अब मैंने ये लिखा है, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स। तो ये क्या है, ये हमारा टेक्स्ट क्रिएटर है। हमने यहाँ पर टेक्स्ट से लिखा है, कुछ भी लिखा है हमने, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट क्रिएटर। टेक्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, टेक्स्ट हम लिख रहे हैं कैसे, कीबोर्ड का यूज करके। तो टेक्स्ट क्रिएटर, हमने टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब हम एडिट करेंगे टेक्स्ट को, हमें एडिट करना है टेक्स्ट को। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें एडिट करना है टेक्स्ट को तो हम टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कैसे करते हैं, या तो हम शिफ्ट की यहाँ पर हमने क्लिक किया, हेलो स्टूडेंट्स, मेरे को सिर्फ और सिर्फ हेलो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। तो मैं हेलो स्टूडेंट्स को माउस का हमारा लेफ्ट वाला जो कर्सर है उसको प्रेस करके रखेंगे, लेफ्ट कर्सर को ले जाएंगे हम यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा हेलो स्टूडेंट सेलेक्ट। अदरवाइज हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, शिफ्ट की प्रेस की, देन एरो, नेक्स्ट राइट एरो को हम प्रेस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा सेलेक्ट। तो ये हो गया, हम पहले हम कैसे सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट सेलेक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा कट कॉपी पेस्ट। अब कट कैसे करेंगे, कट हम यहाँ से कर सकते हैं, कॉपी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, इमेज है, इमेजेस हैं किसकी, इन्हीं टूल्स की जो हमारे फाइल में मिल सकते हैं, एडिट में, सॉरी, जो हमारे एडिट, यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं, एडिट में जा सकते हैं, एडिट में जाकर हमारा कट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कट किया तो हेलो स्टूडेंट्स जो मेरा लिखा हुआ था वो कट हो गया। तो हम अगेन उसको वापस लेकर आए तो क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं और अदरवाइज पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन कट का। अब हमें कॉपी करना है, तो कॉपी के लिए हम एडिट में जाएंगे, एडिट में जाकर उसको कॉपी करेंगे और हमें उसको कहीं और पेस्ट करना है। तो मेरे को यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स लिखना है, तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दूंगी, या फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है, पेस्ट वाला जो आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो भी हमारा हेलो स्टूडेंट्स लिख कर आ जाएगा। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं कैसे हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम एडिट में जाकर कर सकते हैं, एडिट में आप देख रहे हो कट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस एक्स की को प्रेस कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा यहाँ पर मेन्यू बार के नीचे, फाइल मेन्यू बार के नीचे ये आइकन है कॉपी का, इसको प्रेस कर सकते हैं जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। तो ये देखो मैंने डेटा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही ये हमारा क्या आया, सेलेक्ट करते ही ये हमारा ऑप्शन जो है एक्टिव हो चुकी है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी से भी कर सकते हैं और हम इसको एडिट में जाकर यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन है इसको भी प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस की को भी हम यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी की को भी हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए, कॉपी कर पेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैंने, अब देखिए ये सब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम कट करते हैं। कट करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो हमारा डॉक्यूमेंट में से कट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगर हमें उसको पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस वी करेंगे। और कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी का मतलब है हमने सेलेक्ट करा टेक्स्ट, कॉपी करना है, कॉपी का मतलब ये है कि वो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर भी सेव रहेगा, कट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, वो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर सेव रहेगा और हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी से। और अगेन मैं इसको यहाँ पर प्रेस करती हूँ, यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा कट कॉपी पेस्ट।
टेक्स्ट का यूज। अब बात करते हैं फॉन्ट एंड साइज सिलेक्शन का। अब मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मेरे को ये पूरा का पूरा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पर फॉन्ट नेम्स, हम यहाँ से फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी हम फॉन्ट लेंगे, हमारा टेक्स्ट देखिए वही उसी फॉन्ट स्टाइल में चेंज हो जाएगा। मैंने जैसे कि अभी ये किया था, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ या कैलिब्री यूज कर लेती हूँ, तो ये हमारा कैलिब्री वाले फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। अब स्पेस फॉन्ट साइज क्या रहेगा, हम इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। हम 8 pip, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया 8 points, तो ये हमारा स्मॉल हो गया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं तो ये हमारा इसका साइज इंक्रीज हो गया है। ये था हमारा कैसे हम टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। मतलब फॉन्ट एंड साइज सिलेक्शन वाला टॉपिक हमारा इतना कवर हो जाता है। अब बात करते हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट है उसका हमें अलाइनमेंट चेक कर चेंज करना है, तो मैंने पूरा ये सब कुछ सेलेक्ट किया। अब अलाइनमेंट के जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट लिखा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ ये हमारा सब भी लेफ्ट में आ जाता है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये सब हमारा किस में आ रहा है, पेज के बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। और जैसे ही मैंने इसको अलाइन राइट किया तो ये हमारा पूरा का पूरा राइट साइड में आ रहा है, पूरा का पूरा राइट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड में आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये हो गया। जस्टिफाइड का मतलब हो गया है कि ये हमारा पहले से जैसे हमने लिया था वैसे ही हम लिखेंगे। तो अलाइन लेफ्ट के लिए हमारा शॉर्ट की होगा Ctrl+L, अलाइन सेंटर के लिए हमारा शॉर्ट की होगा Ctrl+E, और अलाइन राइट के लिए हमारा शॉर्टकट कीज होंगे Ctrl+R। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को हमें एडिट करना है, चेंज करना है, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसको बोल्ड में करना है या इटैलिक में करना है या उसमें अंडरलाइन का यूज करना है, वो सब हमारा सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट के बाद ही होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ये टेक्स्ट जो है सेलेक्ट कर लिया है, अब मुझे सिर्फ इसी इसी टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे बोल्ड पे Ctrl+B भी कर सकते हैं या फिर हम बोल्ड को प्रेस भी कर सकते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं उस पे आइकन पे, तो भी हमारा बोल्ड हो जाएगा। जैसे ही ये मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो कि ये बोल्ड में हो गया है। देन मैं अगर इटैलिक पे प्रेस करूंगी तो ये इटैलिक स्टाइल में चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन पर क्लिक करती हूँ तो ये इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अब अंडरलाइन के लिए भी ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर सिंगल लाइन भी है, डबल लाइन भी है, बोल्ड लाइन भी है, डॉटेड लाइन भी है, डॉटेड बोल्ड लाइन भी है। तो ये सभी लाइन्स हम यूज कर सकते हैं जैसे आप यूज करना चाहो, ठीक है। अगर आप अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा बोल्ड में भी हो गया, इटैलिक में भी हो गया और अंडरलाइन में भी हो गया। अब मुझे इसको वापस अगेन पहले ही जैसे हमने किया था वैसे ही लाना है, पहले वाली स्टेट में ही लाना है। तो मैंने अंडरलाइन को हटा दिया है, क्लिक किया, इटैलिक को अगेन क्लिक किया, वो हट गया है। अब देन मैंने बोल्ड को अगेन क्लिक किया है, वो भी हट गया है। तो मतलब या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर हम इसको अंडू भी कर सकते हैं। हमारा अंडू भी मतलब जो हमने पहले किया था वो सब हमारा अंडू में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले सारी चीजें बताई हैं, ये देखो अंडू में हमारा स्टार्टिंग से वहीं पर आ चुके हैं जहां से मैंने आपको अलाइनमेंट से स्टार्ट करके बताया था। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। अब बात करते हैं पैराग्राफ इंडेंटिंग की। पैराग्राफ इंडेंटिंग हम कैसे क्लिक करते हैं, अब मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम गए पैराग्राफ में, राइट क्लिक किया, पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ में जैसे ही हम गए यहाँ पर ऑप्शन खुलकर आया है ये इंडेंट एंड स्पेसिंग का। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइंस चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें चेंज करा, मैंने इंक्रीज करा साइज, तो देखो ये वाला साइज जो है ना इंक्रीज कर देगा अलाइनमेंट। आप देख रहे हो यहाँ पर एग्जाम्पल है शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये जितना भी मैं इसको इंक्रीज करूंगी या डिक्रीज करूंगी वो शो करेंगे चेंजेस। मतलब हमारे पेज से यहाँ पर हमारा इंडेंट जो है, लाइंस जो है वो, स्पेस जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन का सिर्फ मैंने फर्स्ट लाइन पे कर रही हूँ। अब देखो आप जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, पहले नेगेटिव में था तो नेगेटिव में अपने सेंटर से लेकर जो मार्जिन था हमारा उससे इधर आ रहा था। अब मैं इसको इंक्रीज करूंगी तो ये थोड़ा और आगे शिफ्ट हो रहा है। आप देख सकते हो ये ब्लैक डॉटेड वाली जो लाइन है इसको इसने एज अ फर्स्ट लाइन लिया है। तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ वो आगे आगे शिफ्ट हो रही है, जैसे मैं डिक्रीज कर रही हूँ वो पीछे आ रही है।
ठीक है, अब हमें स्पेस कितना देना है लाइंस के बीच में। हम सिंगल लाइन का दे सकते हैं 1.1.15 लाइंस का दे सकते हैं, 1.5 डबल लाइंस का, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, कोई भी हम जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर फिर से आपको बता देती हूँ, या तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्टेड टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे और पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में यहाँ पर हमारा पैराग्राफ ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं, आफ्टर टेक्स्ट, बिफोर टेक्स्ट और सिंगल और डबल जो भी आप कर सकते हो। देखो ये सब चेंजेस हो गए, अभी हमारा किस में आ गया है, डबल उसमें आ गया है, डबल पेजेस का यूज हो रहा है क्योंकि हमारा साइज भी इससे इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि हमने स्पेस जो दिया है लाइंस का डबल लाइंस का दिया है, 1.15 का दिया है। तो हम अगर रिडू इसको अंडू करना चाहें तो हम अंडू कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि कैसे हम पैराग्राफ इंडेंट और उसके हम चेंज करते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ पे सेलेक्ट करेंगे, इंडेंट एंड स्पेसिंग। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट हम इसको सेंटर्ड भी कर सकते हैं, तो सेंटर किया मैंने, ये आ गया हमारा। सेलेक्ट करो पहले टेक्स्ट को, देन हम फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और सेंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये सेंटर, पेज के सेंटर पे आ चुका है। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे और ऐसे ही कर देंगे, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया, मैं फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में जाके चेंज कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ, तो क्या ये होगा? नहीं होगा, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ही चेंजेस करने होंगे। तो टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए और फॉर्मेट में जाने के बाद पैराग्राफ में जाकर अलाइनमेंट पे गए और सेंट राइट साइड कर दिया है, लेफ्ट साइड कर देते हैं। ओके, ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड की तरफ। या तो हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ इंडेंटिंग का। अब बात करते हैं हमें इसमें, हमने ये जो लाइंस ली हैं हमें इसमें बुलेट्स या फिर नंबर्स यूज करने हैं। तो एक तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर हम इसे डॉट से यूज कर सकते हैं, डबल, ये देखो सॉलिड सर्कुलर, बुलेट से यूज कर सकते हैं, डायमंड शेप से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया डायमंड शेप्स आ गई, ये एक्स्ट्रा लाइन बीच में ऑलरेडी हमारी एडेड है इसलिए ये यहाँ पर बुलेट इन्होंने ले लिया। हम इसको बैक स्पेस करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से अगेन हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए से हमारा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। अब इसको हम नंबर्स में भी चेंज कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हो, अल्फाबेट्स में भी यूज कर सकते हो, कैपिटल में, स्मॉल में भी यूज कर सकते हो। तो देखो ये आ गया है हमारा ABCD फॉर्म्स में, ठीक है। ये तो हो गया है, डायरेक्ट हमने आइकन्स का यूज किया, नहीं अगर अदरवाइज, ये तो हमने डायरेक्ट क्या किया, आइकन्स का यूज किया है जो हमारे मेन्यू बार के नीचे है, आइकन्स गिवन है। अदरवाइज हम मेन्यू बार में फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाकर हम बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जाएंगे। बुलेट्स एंड नंबरिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग है, अनऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर्ड में 1, 2, 3 हो गया, आउटलाइन में हमारे ऐसे सब पार्ट्स में आ जाएगा, इमेजेस में हमारा ऐसे इमेजेस भी यूज हो सकते हैं, आप इमेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये इमेजेस सेलेक्ट कर लिया और देन ओके प्रेस किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में जो मैंने इमेजेस सेलेक्ट की थी उस स्टाइल में ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा कैसे हम बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हम इनको चेंज करना है, केस अपर केस में चेंज करना है, लोअर केस में चेंज करना है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये है हमारा लोअर केस में, मैंने टेक्स्ट को क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन है अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड एंड टोगल केस। तो इनका हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अपर केस, हम किस में गए, फॉन्ट में गए, हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, देन हम फॉर्मेट में गए, देन टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट पे जाने के बाद हम अपर केस, मैंने अपर केस को क्लिक किया तो सब कुछ हमारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया है, मतलब सारे के सारे लेटर्स हमारे कैपिटलाइज हो चुके हैं। अब यही सेलेक्टेड कैपिटलाइज लेटर्स जो हैं, केसेस जो हैं, इनको हम लोअर केस में करना चाहें तो अगेन हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे
और ये हम लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो सभी हमारे कैसे हो जाएंगे, लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। देन अब देखते हैं थर्ड वन है हमारा साइकिल केस। साइकिल केस पे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, जो एवरी सिंगल वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल हो गया है और बाकी सारे हमारे क्या हो गए हैं, स्मॉलर हो गए हैं। ये था हमारा किसमें, साइकिल केस में। अब देखते हैं सेंटेंस केस में क्या होता है। सेंटेंस केस पे मैंने क्लिक किया तो सेंटेंस केस में सबसे पहले वाला जो वर्ड है वो हमारा क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं दूध, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट में गए हम। अब कैपिटलाइज एवरी वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल लेटर हो चुका है। फॉर्मेट में जाएंगे, अगेन टेक्स्ट पर जाएंगे, टोगल केस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा स्मॉलर हो गया है और बाकी सारे हमारे कैपिटलाइज हो गए हैं। एक तरीका तो हमारा हो गया है मेन्यू बार के ऑप्शन में जाकर करने का। और अगर मैं मेन्यू बार में ना मिले मुझे, मेरे को रेंडमली करना है, फास्ट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, सेलेक्टेड है टेक्स्ट, अब यहाँ पर जहाँ पर बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन लिखा है यहाँ पर आप इसको राइट क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है लोअर केस, जैसे ही मैंने लोअर केस पे क्लिक किया ये सभी लेटर्स हमारे लोअर केस में आ चुके हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आपका कि कैसे हम वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ किस लिए करते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने टेक्स्ट को कैसे हम चेंज करते हैं, उनके फॉन्ट्स को कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम उनका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई विश आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं और कैसे हम टेबल को ऐड करके उसका मैनिपुलेट करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को डिलीट करते हैं और ऐड करते हैं, कैसे हम उनकी साइज विड्थ को चेंज करते हैं। तो तब तक आप अपना पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।